गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, और स्वागत है आपका नए ब्लॉग में ताबो से। अभी हम लोग उठ गए हैं, अभी टाइम हुआ है 7 o'clock। हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि रात को मैं वीडियो एडिट कर रहा था, और अब मैं आपको अपनी बालकनी से व्यू दिखाता हूँ जो रात को मैं बता रहा था। सो जस्ट लुक एट दिस। और ये इधर ये मोनेस्ट्री है पूरी, जो अभी हम चेकआउट करेंगे अंदर से। कुछ देर बाद हम मोनेस्ट्री जाएंगे और विल चेक इट आउट। अभी हम अपनी चाय पी रहे हैं, टेम्परेचर कुछ -3 के अराउंड दिखा रहा है गूगल। अपनी चाय पीते हैं, इस वेदर को एंजॉय करते हैं। अभी बाहर हवा बहुत तेज़ है, अगर आप देख रहे होगे ना, हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी कट रही हो हवा की वजह से। तो अभी अपनी चाय पीते हैं, थोड़ा मौसम को एंजॉय करते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे और देन ताबो को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। बने रहिए ब्लॉग के साथ। यहाँ है पराठे, ऑमलेट, ब्रेड टोस्ट, बटर, जैम, दही, चाय, कॉफ़ी, सब कुछ यहाँ पे है। ये हमारे भैया हैं। चलिए जी, जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, देन विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ताबो। यहाँ पे हमारी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, रात को दिख नहीं रहा था पीछे का व्यू। देयर इज़ आर बेबी। जल्दी से चलते हैं, सामान रखते हैं गाड़ी में। अगर आप देखोगे तो सबसे अति सुंदर गाड़ी जो है वो मेरी हो रखी है। जस्ट लुक एट दिस, बाकी फिर भी साफ हैं ये। पर ये एडवेंचर का फ़ायदा है, दिखनी चाहिए कि आपकी गाड़ी एडवेंचर करके आई है। प्रॉब्ली हम वापस घर जाके ही साफ कराएंगे इसको, बट जस्ट लुक, चेक आउट द व्यूज़। ये मेन सिटी सेंटर है, मतलब जहाँ ताबो का बिल्कुल बीच में जो मेन सिटी सेंटर टाइप एरिया होता है, यहाँ पर पार्किंग भी है। तो ये सारी गाड़ियाँ पार्कड है हमारी। अभी हम सामान रख रहे हैं, जब सब लोग सामान रखेंगे तो सबसे पहले पीछे जो मोनेस्ट्री है हम वो देखने जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अभी हम आ गए हैं ओल्ड मोनेस्ट्री में, जो 14th century वाली मोनेस्ट्री है। मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा मड का बना हुआ है, पीछे माउंटेन्स हैं जिन पे केव्स हैं, और दिस इज़ द ओल्ड मोनेस्ट्री। अभी अंदर कैमरा वैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, तो आपको अंदर का तो नहीं दिखा पाएंगे। इधर से पीछे रास्ता जाता है वो न्यू मोनेस्ट्री पे है, वहाँ पे आपको पूरा दिखा पाएंगे। वहाँ पे प्रेयर व्हील भी एक बड़े वाला, वो चीज़ आपको दिखाएंगे। अभी हम बाकी लोग अंदर गए हैं, मैं बाहर आ गया हूँ, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम। उसके बाद आपको न्यू मोनेस्ट्री दिखाते हैं। अभी हम आए न्यू मोनेस्ट्री पे। ये न्यू मोनेस्ट्री का पीछे वाला एरिया है, ये वही वाला सेम प्रेयर व्हील है जहाँ पिछली बार हमारा पूरा सामान छूट गया था। नेहा भाभी, इफ यू आर वॉचिंग दिस, आपका सामान यहाँ पे नहीं पड़ा है अब। हम जल्दी से अपनी विश मांगते हैं, प्रे करते हैं, इसको रोटेट करते हैं और फिर चलते हैं। इट्स टू हैवी। शाबाश शाबाश। चलिए जी, वापस न्यू मोनेस्ट्री की साइड चलते हैं और वहां से अपनी आज की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। जस्ट लुक एट दिस, क्या ही अमेजिंग लग रहा है ये, जो गोल्ड की नक्काशी कर रखी है ना, लुक्स अमेजिंग। और जो लोकेशन है वो ऊपर से चार चांद लगाती है। ये न्यू मोनेस्ट्री है, दैट्स आर होटल। वहाँ से हमें मॉर्निंग में ये वाला व्यू आ रहा था। हेलो सर। हाय। ये पीछे स्नो क्लैड माउंटेन्स का व्यू है। प्रॉब्ली आई विल गेट अ पिक्चर क्लिक्ड हियर, और उसके बाद हम लोग चलते हैं। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू सो मच। हमारी बालकनी सबसे बढ़िया थी। ये एग्जिट गेट है। फाइनली हम मोनेस्ट्री से निकल रहे हैं और आज की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सामान पैक कर रहे हैं। प्रॉब्ली इन नेक्स्ट 10 मिनट्स विल लीव। लास्ट ग्लिम्स ऑफ द मोनेस्ट्री गेट। इनको आप कार के ऊपर ही पाएंगे। नहीं नहीं, नो ऑटोग्राफ्स, नो फोटोग्राफ, सिर्फ वीडियो बनाना है हमारा। ऑल सेट सर। चलिए जी, लेट्स पैक अप एंड लेट्स लीव। सामने क्या अमेजिंग व्यू आ रहा है ना, बीच में वैली है, दोनों साइड दूर दूर पहाड़ हैं,
और बीचों बीच रास्ता जा रहा है जिसपे सिर्फ गाड़ियां जा रही है, मतलब बीच में फ्लैट ग्राउंड है जिसपे एक रोड है पतला सा, मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट लुक एट दिस, दूर दूर तक और कुछ नहीं है, एकदम बैरन लैंड्स और ये पतला सा संकरा सा रास्ता। ये जी हम धरकर मोनेस्ट्री वाले डाइवर्जन पे आ गए हैं, ग्लिम्स आ गए हैं धरकर मोनेस्ट्री के, जो टॉप पे है वो है धरकर मोनेस्ट्री। यहाँ से भी 4 किलोमीटर है तो जल्दी से क्लाइम करते हैं और फिर आपको वहाँ से मैजेस्टिक व्यूज दिखाते हैं इन स्नो क्लैड माउंटेन्स के। सो जी फाइनली हम पहुँच गए हैं धरकर मोनेस्ट्री। यहाँ पे सामने आपको दूर मोनेस्ट्री दिख रही होगी, मेन गेट है। यहाँ से मैं एक टाइम वॉप लेता हूँ, आई शो यू द होल मोनेस्ट्री इन लाइक 30 सेकेंड्स। अभी हम न्यू मोनेस्ट्री पे आए थे, पीछे आपको ओल्ड मोनेस्ट्री दिख रही होगी जो पहले वाली लास्ट टाइम हमने विजिट की थी। जस्ट लुक एट दिस, जो वहाँ से व्यू था पिछली बार हमने ऊपर से जो शॉट्स लिए थे दे केम अमेजिंग, बट यू हैव स्नो क्लैड माउंटेन्स ऑल अराउंड। यहाँ पे विंड थोड़ी तेज़ है तो शायद मैं अभी फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ तो आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, बट हम लोग अभी वापस गाड़ी में चलते हैं। वो डायलॉग भी बोल रहा है बीच में। सो जी हम पहुंच गए हैं ओल्ड मोनेस्ट्री में, आई शो द व्यूज फ्रॉम हियर। हम लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे, यू कैन वॉक टू द टॉप, वहाँ से आपको पैनोरमिक व्यूज आते हैं एंड देन यू कैन गो देयर। यहाँ से एक बैल्कनी है, वहाँ से काफ़ी अच्छे व्यूज आते हैं, आई शो यू द व्यूज फ्रॉम हियर। अभी हम नीचे वाले एरिया के टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ गए हैं एंड जस्ट लुक एट द व्यूज फ्रॉम हियर। ये रुखसाना जी यहीं पे बैठ गई हैं, इनको व्यू इतना मैसमराइजिंग लग रहा है एंड जस्ट लुक एट दिस। वो वाला जो फॉर्मेशंस हैं दोज आर रियली नाइस। पहले हम वहाँ पे थे, वो जो है वो न्यू मोनेस्ट्री है एंड जस्ट चेक आउट द व्यूज़। अभी थोड़ी देर इन व्यूज़ को एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अभी हम बिल्कुल नीचे आ गए हैं जहाँ पे साइड में रिवर बेड है बिल्कुल उसके साइड में, और यहाँ से कुछ 7 मिनट्स का रास्ता है जो हमारा नेक्स्ट रीग्रुप पॉइंट है। और यहाँ पे पीछे है वाटरफॉल, लेट मी शो यू द व्यू, जस्ट लुक एट दिस। और ये पानी सारा नीचे स्पीति रिवर में जा रहा है, तो अभी हम जल्दी यहाँ से स्पीति रिवर के लिए जाएंगे ताकि हम रिवर को टच कर पाएं। सब लोग निकल रहे हैं, सो जस्ट एंजॉय द लास्ट व्यू और हम भागते हैं, हम जल्दी से भागते हैं। बट ऑल इन ऑल इट्स वेरी नाइस। तो जी नाउ एंजॉय द व्यू ऑन GoPro। ये हम पहुंचे हैं लिंगती ब्रिज और वाटरफॉल, अभी हम रिवर साइड पे चलेंगे।